सो फाइनली भाई लोग बिगनर सीरीज़ का डे फोर आ चुका है। जैसे कि आज अपन लोग वर्कआउट करेंगे बाइसेप वर्कआउट, तो यहाँ पे सबसे पहले वार्म अप करना है। मैंने वार्म अप कर चुका हूँ तो ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा इसमें, नहीं तो लंबी वीडियो हो जाएंगी। तो सबसे पहले अपन लोग वर्कआउट करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज होंगी अपने बार बार कल से। तो इसमें आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, दो तीन चीज़ों को ध्यान देना है। पहली चीज़ तो आप लोगों को जहाँ ग्रिप पकड़ना है वो आपको थोड़ा शोल्डर से हल्का सा साइड में, वहाँ पे बारबल पे आप लोगों को निशान दिए रहते हैं उसी से, मतलब शोल्डर के साइड में पकड़ना है, शोल्डर के थोड़ा सा हल्का सा बाहर। और जो आपके आर्म्स होंगे वो आर्म्स आपके साइड में चिपके होना चाहिए, ना कि खुले होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़, बहुत से लोगों को देखा है कि जब ऊपर लेके आते तो होल्ड नहीं करते, तो ऊपर लेके जाते टाइम आप लोगों को होल्ड करना है 1-2 सेकंड का, उसके बाद में नीचे लेके आना है। इसके 12 रेप और 3 सेट करना है। इसके बाद अपन लोग सेकंड एक्सरसाइज करेंगे जिगजैग रॉड पे। तो इसमें भी तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहली चीज़ तो आप लोगों को रॉड को बहुत क्लोज पकड़ना है, जैसे अभी मैंने पकड़ा हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो आपके आर्म्स होंगे वो साइड में चिपके होना चाहिए, खुले नहीं होना चाहिए। और आर्म्स को तो हल्का सा आगे लेके जाऊँगे, मतलब कि पीछे नहीं रखना है अपने को, आर्म्स को हल्का सा आगे रखना है और इसमें होल्ड करना है, ठीक है। तो इसके भी आप लोगों को 12 रेप और 3 सेट करना है। और एक चीज़ याद रखना है, आपको फुल रेंज ऑफ मोशन करना है, ठीक है, हाफ हाफ में नहीं छोड़ना है, फुल रेंज ऑफ मोशन करना है। इसके भी आप लोगों को 12 रेप और 3 सेट करना है। इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज करेंगे अपन लोग डंबल कर्ल। तो आप लोगों को पहले बैठने के लिए सीट ढूंढ लेना है, जैसे कि मैं बैठ चुका हूँ सीट पे। तो यहाँ पे आप लोग दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है जो बहुत से लोग गलती करते हैं। तो पहली चीज़ तो आप लोगों की ग्रिप, डंबल की ग्रिप बहुत अच्छी रहना चाहिए, ना कि आप लोगों को क्या है, आपकी जो ग्रिप रहती है ना ऊपर नीचे नहीं करना है। एक बार जो अपन ने पकड़ लिया वैसे ही ऊपर लेके आना है, वैसे ही नीचे लेके जाना है, ठीक है। तो पहली चीज़ हो गई ग्रिप। और दूसरी चीज़, बहुत से लोग क्या करते हैं, डंबल जो रहता है ना, डंबल अंदर मतलब चेस्ट की तरफ लेके आते, तो डंबल चेस्ट की तरफ ना ला के शोल्डर की तरफ लेके आना है, जैसे अभी आप लोग देख रहे हो वीडियो में, शोल्डर की तरफ लेके आना है आप लोगों को, ना कि चेस्ट की तरफ। और तीसरी चीज़, आप लोगों के जो आर्म्स होंगे वो आर्म्स चिपके रहना चाहिए, ठीक है। और फोर्थ, जो आप लोगों को फुल रेंज ऑफ मोशन करना है, क्योंकि बहुत से लोग करते क्या है, हाफ हाफ में ऊपर लेके आ जाते हैं, क्योंकि उन लोग नीचे नहीं लेके जाते हैं, ठीक है, भारी लगता है, इसके कारण फुल रेंज ऑफ मोशन करना है। इसके भी 12 रेप और 3 सेट करना है। इसके बाद अपन लोग फोर्थ एक्सरसाइज करेंगे डंबल हैमर कर्ल। तो इसमें आप लोगों को डंबल को सीधा पकड़ना है, ठीक है। और इसमें भी आप लोगों को ग्रिप बहुत अच्छी रखना है, क्योंकि ग्रिप अच्छी रहेगी तो अच्छा पंप आएगा, अच्छा फील आएगा मसल पे। और दूसरी चीज़, आप लोगों को डंबल को शोल्डर से हल्का सा बाहर, मतलब बाहर लेके जाना है, ना कि अंदर। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, चेस्ट तरफ लेके आते हैं तो चेस्ट तरफ दूसरी एक्सरसाइज हो जाती है, तो आप लोगों को शोल्डर के हल्का सा बाहर लेके जाना है, जैसे आप लोग अभी ये वीडियो में देख रहे हो, ठीक है। और आर्म्स आपके चिपके रहना चाहिए, और इसमें भी आप लोगों को फुल रेंज ऑफ मोशन करना है। ट्राइसेप और बाइसेप वर्कआउट में आप लोगों को फुल रेंज ऑफ मोशन करना ज़रूरी है, ठीक है, हर एक्सरसाइज में करना ज़रूरी है, पर इसमें बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोगों इसके भी 12 रेप और 3 सेट करना है। इसके बाद अपन लोग फिफ्थ एक्सरसाइज करेंगे केबल बारबल कर्ल। तो इसमें आप लोगों को सीधी रॉड ले लेना है पहले, और अपने अकॉर्डिंग वेट लगा लेना है, मैंने अपने अकॉर्डिंग लगा लिया हूँ। तो यहाँ पे भी आप लोगों को ध्यान देना है, पहली चीज़ तो रॉड को ज़्यादा अंदर नहीं पकड़ना है, एकदम कोने पर पकड़ना है, ठीक है, जहाँ पर आप लोग अच्छे खासी ग्रिप बना सको, जैसे अभी आप देख रहे हो, ठीक है। इसको भी आप लोगों को फुल रेंज ऑफ मोशन करना है, और हाथ को देख लो मेरे, और आर्म्स को भी देख लो, ऊपर जाके होल्ड करना बहुत ज़रूरी है बाइसेप वर्कआउट पे, जब भी आपको अच्छा खासा पंप और फील आएगा, मसल पे लोड भी आएगा, इसलिए आपको इसको होल्ड करना है ऊपर जाके। इसके भी आप लोगों को 12 रेप और 3 सेट करना है, और फुल रेंज ऑफ मोशन करना है। इसके बाद अपन लोग सिक्स्थ एक्सरसाइज करेंगे केबल हैमर कर्ल। तो आप लोग रॉड से भी कर सकते हो, जैसे मेरे पास वी वाली रॉड है, और रोप से भी कर सकते हो, तो मैं रॉड से करके बता रहा हूँ आप लोगों को।
तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है फुल रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। जैसे मेरे हाथ देख लो, पूरे नीचे जा रहे हैं और पूरे ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप लोगों को ऊपर जाके होल्ड करना है, जैसे देख सकते हो मैं एक दो सेकंड का होल्ड करता हूँ ऊपर, उसके बाद मैं नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। और आपके आर्म्स चिपके होना चाहिए साइड में, ठीक है। यही आप लोगों को दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके भी 12 रेप और 3 सेट करना है, और इसमें बस होल्ड और फुल रेंज ऑफ मोशन और आर्म्स चिपके होना चाहिए साइड में, बस। तो यहाँ पे बाइसेप वर्कआउट ख़त्म होता है। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब।